जय दोस्तों, मैं फौजी लक्ष्मण सिंह और मैं जैसे आपको बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो जाके ग्राउंड में बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि यार मैंने पहले बेसिक एज और रिलेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और भर्ती हमें कब देखनी चाहिए और एज ग्रुप क्या है। तो मेरा एज ग्रुप ये है कि दो ग्रुप होते हैं, एक 17.5 से 21 साल और सेकेंड होता है 17.5 से 23 साल। 17.5 से 21 साल का जो ग्रुप है उसके अंदर GD और स्पोर्ट्समैन भर्ती देखते हैं, उसके अंदर ओनली फॉर GD और स्पोर्ट्समैन ही बंदा भर्ती देखता है। सेकंड 17.5 से जो 23 साल एज का ग्रुप है उसके अंदर टेक्निकल, GD एंड कलर एंड ट्रेडमैन आता है। तो जो टेक्निकल्स की भर्ती देखते हैं जो बंदे नए, तो उनका 17.5 से 23 साल का है, और जो कलर की देखते हैं वो भी 17.5 से 23 साल की है, जो ट्रेडमैन देखते हैं वो भी 17.5 से 23 साल है। तो एक ये एज ग्रुप है। और मैं ये बताना चाहूँगी जो बंदे रिलेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, रिलेशन सर्टिफिकेट बताऊँगा किसका बनता है, जिसके फादर या ब्रदर आर्मी में होते हैं, तो उनका जो जहाँ पे वो उनके फादर या ब्रदर ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, उन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उनका बायोडाटा होता है और वो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है। रिलेशन सर्टिफिकेट का ये फायदा हमें कि हम अपने ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी किसी भी रेजिमेंट या किसी भी कहीं पर भी जाके जहाँ भर्ती ओपन होती है हम वो भर्ती अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो भर्ती अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शायद जिनके पास रिलेशन होगा उनको बहुत से मौके मिल जाते हैं, लेकिन जिनके फादर या ब्रदर आर्मी में नहीं होता है उनके पास तो एक ही चांस होता है, एक या दो चांस अपने जिले में, एक एक ही खुलती है, किसी किसी जिले में दो भर्ती खुल जाती है, तो एक अपने पास तो इतना ही चांस हो पाता है जिनके फादर या ब्रदर आर्मी में नहीं हो पाता। तो ये रिलेशन का बेनिफिट है, एज ग्रुप आपको पता लग गया। और सेकेंड में ये बताऊँगा दोस्तों कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में जब हम घुसते हैं तो हमें उस ग्राउंड को पिस करना चाहिए, उसके धोख लगना चाहिए, और उस ग्राउंड में अंदर पहुंचने के बाद हमें ग्राउंड की ही बातें करनी चाहिए, हमें घर परिवार समाज सेवा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही बातें नहीं करनी चाहिए, हमें ग्राउंड के अंदर ग्राउंड की ही बातें करनी चाहिए बिल्कुल। हमें रनिंग कैसे करनी है, हमें क्या करना है, क्या सोचना है, हमें फोकस वही टारगेट रखना रनिंग का, ना कि हमें ये वो कुछ बातें नहीं करनी है। और एक हफ्ते में आप एक ऐसा वीक में डे मंगलवार है, उस मंगलवार को आप अपने जितने भी ग्रुप हैं जो रनिंग का ग्रुप बना उसमें आप अगरबत्ती कीजिए, ग्राउंड की पूजा कीजिए, सारे बंदे ग्राउंड के धोख लगिए, वो ऐसा दिन रखिए। ग्राउंड से अंदर और बाहर जाते हो तो आप हमेशा पैर छुके ही ग्राउंड के अंदर और आउट हुई। और मैं बता रहा था कि ये चीज़ें मैं बेसिक बताऊँ, मैं चाहता तो आपको जाके ग्राउंड में बताने लगता फिजिकल के बारे में, लेकिन मैं सोचा कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो मेरे दोस्तों को बताऊँ और पता लगे, और मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में दो वीडियो बनाए उनमें मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिला, और मैं ये चाहूँगा कि सपोर्ट मिलता रहे। और हाँ, मैंने सुना था कि जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे घर परिवार के दोस्त यार कहने लगे कि आपको पैसे कमाने के लिए तो नहीं बनाए। नहीं दोस्तों, पैसे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे दे रही है, मेरा पैसा कमाना मकसद नहीं है, मेरा एक दोस्तों तक नए यूथ तक मैसेज देना है कि वो भर्ती कैसे हो, किस तरीके से देखें, शायद मैं उनको मेरे बताने से कुछ लोग भी सिलेक्टेड होते हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ, वो चीज़ें मेरा कोई टारगेट नहीं, मेरा टारगेट यही है कि मैं नए दोस्तों को अपने भाइयों को कुछ बता सकूँ, और मेरे कहने से या कुछ बताने से मेरे दोस्तों की लाइफ बन जाए तो इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं होगी। ओके, जय हिंद दोस्तों।